हैप्पी न्यू ईयर। शोनो ट्यूटोरियल्स को देखने वाले सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और आई विश 2020 से अच्छा हो, पॉजिटिव हो। 2020 में जितनी नेगेटिव चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और जितने रिस्ट्रिक्शंस में हम लोग रहे हैं, वो सब 2021 में ना हो और हमारा 2021 बहुत 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 अच्छा हो हम सबका। और बस इसी के साथ साथ मैं न्यू ईयर पे थोड़ा सा बाहर गई हुई थी और सोचा था कि ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ ना कि वहाँ पे -5 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया, तो मैं तो ठंड के मारे मतलब जमी गई लगभग, तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई। सोच मतलब ऐसे प्लानिंग तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं ना यार, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से अगर लाइफ चलने लगे तो फिर क्या ही है। तो बस सही प्लानिंग के हिसाब से नहीं चला और ब्लॉगिंग वगैरह कुछ कर नहीं पाए, ठंड में ठिठुरते रहे वहाँ पे। मैं गई थी एक्चुअली चकराता। मैंने भी जब पहली बार नाम सुना था इसका, मैंने ज़्यादा नाम नहीं सुना था, तो फिर मैंने इसको सर्च वर्च किया तो काफ़ी ठंडी जगह है, आप गूगल करना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। और आपको पीछे टेडी बियर दिख रहा होगा, ये मेरी बेटी का रूम है, मैं यहीं पे शूट कर रही हूँ। पीछे से मेरे बेटे ने कुछ पेन से लिखा हुआ है, वो बड़ा नॉटी है यार, मेरी बेटी ने ये सब कुछ नहीं किया। नहीं, वो तो जहाँ जो पा जाए बस उसकी खुराफात चालू हो जाती है। अच्छा, तो मैं खैर तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर ठंडी जगह चली गई, लेकिन चलो अच्छा हुआ जो भी था, ठीक ठाक रहा ट्रिप। तो ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाए, तो मुझे लगा कि चलो बस अनपैकिंग शुरू कर दी है, तो अनपैकिंग से कुछ अगर वीडियो बना सकते तो बनाते हैं। तो फिर मैंने आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं वहाँ ट्रैवलिंग पे मैं कैसा मेकअप या मेकअप किट लेकर जाती हूँ और क्या क्या मेकअप मैं प्रेफर करती हूँ जब मैं ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा किट। ओह, कितना सारा सामान भरा हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। ये मैं लेके गई थी वही बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ठंडी जगह थी तो मुझे लगा कि मॉइस्चराइजिंग लोशंस वगैरह की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये है 9 to 5 की सीसी क्रीम, जो जल्दी जल्दी में तैयार होना था ना, तो ये रख लिया था कि यार नहीं टाइम मिलेगा तो फटाफट फटाफट के लिए ये रख लेते हैं। उसके बाद ये कुछ रबर बैंड्स हैं, ये मेरा छोटू सा शीशा है, ये अभी ना एक लोकल मार्केट से मैंने ऐसे ब्लश लिया था, शेड बस बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये शेड ना किसी ब्रांड में नहीं आ रहा था, तो बस मैंने ले लिया था तो ये रखा हुआ था। और ये किसका है, ये सिवाना का हाइलाइटर है, ये सब मैंने वहाँ यूज़ नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला। ये मिस रोज़ का हाइलाइटर है, ये मेरा लॉरियल इन्फॉलिबल का कॉम्पैक्ट है, ये ठंड में क्या, लेकिन बस रख लिया था, यूज़ ही नहीं कर पाए इसको भी हम। इसके बाद ये मेरा वही लिक्विड सिंदूर, ये मेरी मैक की स्ट्रोब क्रीम है, ये मैंने शायद एक दो बार यूज़ की है वहाँ पे। ये मेरा हूला ब्रॉन्ज़र, ये भी एक भी बार यूज़ नहीं हुआ। अच्छा, कितना सामान ऐसे ले जाते ना यूज़ नहीं होता जो ट्रैवल में, लेकिन फिर भी मैं ले गई थी, ये यूज़ नहीं हुआ। ये यूज़ हुई है मेरी क्लिनिक की मॉइस्चर सर्च 72 आवर्स, क्योंकि यार वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, बस यही सब लगाया है मैंने। ये मेरे कुछ 1, 2, 4, 5, 6 ब्रशेज़ हैं, जिनमें से सिर्फ ये वाला ब्रश यूज़ हुआ है, ये भी यूज़ नहीं हुआ। ये है मेरा नाइका का गेट विंग्ड आईलाइनर, ये स्केच आईलाइनर है, मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। ये मैंने सिर्फ एक बार यूज़ किया, मैंने पूरे ट्रिप पे लाइनर ही नहीं लगाया यार, मन ही नहीं गया मेरा, पता नहीं क्या। ये कलर बार का प्राइमर है, ये भी एक भी बार नहीं लगाया, टाइम ही नहीं मिला, देखो सबसे नीचे तभी रखा है। अरे मेरा नेक पीस यहाँ मिल गया, मैं से कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, ये मैंने पहना था। और ये मैं इतने सारे कलर्ड काजल ले गई थी और एक भी नहीं लगाया मैंने, एक भी, एक कुछ कलर बार के हैं, कुछ एलए के हैं, कुछ फेसेस के हैं, मैंने एक भी नहीं लगाया, समझ रहे हो कितनी ठंड थी। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट मेरी छोटू सी बची है जो आईब्रो पेंसिल मिस क्लेयर की, ये यूज़ हुई है बहुत। और ये मेरी न्यूड आई पेंसिल यूज़ हुई है,
और बेचारा ये ऐसे ही रखा रह गया, मेरा लैक्मे का लाइनर ये भी यूज़ नहीं हुआ वहाँ पे, ये नेल पेंट यौन शेड, हाँ ये मैं लगा के ही गई थी और यही पूरे ट्रिप पे लगाई रही। फाउंडेशन मेरा ये मैंने एक या दो बार शायद यूज़ किया वहाँ पे। ये ना ये मैक वो है क्या बोलते हैं प्राइमर है, ये मुझे फाउंडेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिला था, यूज़ ही नहीं हुआ रखा ये। इस लिपस्टिक का रिव्यू मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में शायद, NYX का शेड इज़ क्लिंजर, इसका मैंने दिखाया था आपको शेड, तो बहुत ही बढ़िया, लगाई नहीं बस इसको मैंने लिपस्टिक को, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाई रही मैं पूरे पूरे ट्रिप पे। ये नेल पेंट मैंने एक बार लगाई थी, ये जिंजर की है, मरून शेड है, ये अच्छा शेड है। और ये कंसीलर्स, बस भी क्यों गए थे तुम लोग, तुम लोगों को किसी को मैंने यूज़ नहीं किया, ये भी ऐसे आ गए बेचारे बेइज्जत होके। ये कलर्ड आए पेंसिल्स, ये भी यूज़ नहीं हुई, इतना सोच के जाओ। ये मेरा मिलानी का कंसीलर, ये यूज़ हुआ है, ये यूज़ हुआ है मेरा। और ये O3 की मेरी सनस्क्रीन, ये भी यूज़, ये मैंने डेली यूज़ की है, क्योंकि ना ठंड में पता नहीं चलता, धूप है नहीं है, लेकिन वो जब बाहर जाओ ना तो स्किन को बहुत डैमेज करती है वो हिडन धूप। ये हैंड क्रीम सोच रही थी रोज़ रात में लगा लिया करूँगी, वहाँ पे क्या ठंड में जब बेड में चले जाओ कुछ नहीं याद रहता। ये मेरी बेबी लिप्स, इसको भी लगाया है मैंने वहाँ पे। ये लिपस्टिक मेरी यूज़ हुई है एक्चुअली, ये है किसकी है, ये किसकी है लिप लाइनर, ये ना MX Factor की है। उसके बाद है ये NYX की लिप शेड, ये भी मेरा यूज़ हुआ है। आप मेरे हाथों पे ये रंग देख रहे हो, ये आलता लग गया मेरे हाथों पे। ये छोटू छोटू लिपस्टिक वो शुगर वाली जो मैंने रिव्यू करे थे ना, ये चारों में ले गई थी सोच के कि मैं लगाऊंगी, लेकिन एक भी नहीं लगाई, आई स्वेयर मैंने एक भी नहीं लगाई। हाँ ये शायद मैंने एक दिन लगाई थी, ये लॉरियल की 105 रूल है, ये मैंने एक दिन लगाई थी। और ये ढूंढते ही रह गए, मिला ही नहीं मुझको ये मेरा स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो, बेचारा छुप गया था। ये ब्राउ किट, ये भी यूज़ नहीं हुई। ये लिप लाइनर, ये भी यूज़ नहीं हुआ। मस्कारा यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने लाइनर नहीं लगाया था, ये मेरा बेनिफिट का मस्कारा, ये अच्छा है, यू कैन ट्राई। ब्रश 9 to 5 वेटलेस मूज लिपस्टिक, इसका मैं आपको रिव्यू करूँगी किसी दिन जल्दी, मतलब वैसे तो मैं जल्दी वीडियो बनाना मेरे लिए बड़े घातक हो जाता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया लिपस्टिक है, लिप एंड चीक वाला है, बहुत बढ़िया है। मैं एक ही शेड की इतनी सारी लिपस्टिक लेके चली गई थी, तभी यूज़ नहीं हुआ शायद। ये भी वही ब्राउनिश है, नाइका लिपस्टोन लाए, ये एक दिन यूज़ हुआ था, एल्प्स गुडनेस का लेवेंडर सिरम, ये एक दिन मैंने यूज़ किया है। ये एले गर्ल का प्रो कंसीलर, ये यूज़ ही नहीं हुआ। और ये मेरा लैश पैराडाइज वॉल्यूमिनस लॉरियल का मस्कारा, ये मैंने यूज़ किया है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट का प्लम्प एंड शाइन लिप ग्लॉस। ये ना मेरे पास इसके 2-3 शेड हैं, ये मैं शादी के पहले से लगा रही हूँ, मतलब बड़ा रिलायबल है, अच्छा सा है यार, अच्छा है, ये मैं बहुत लगा रही हूँ। यहाँ की कहानी हो गई है ख़त्म, यहाँ पीछे और देखे क्या बचा है। ये छोटू सी कैची लेके गई थी मैं, क्योंकि कुछ भी काटना वाटना पड़ जाता है ना कभी कभी यार। और ये ब्रश निकला पीछे से, बस कुछ नहीं, और ये कॉटन पैड्स हैं, और ख़त्म। तो ये सब था, ये रह गया, ये एक दो हेयर बैंड्स ले गई थी, ये मैं लगाई हूँ, ये जिगजैग वाला और 2-3 ये, बाकी मैं और कुछ नहीं लेके गई थी, लेकिन ये इतना सारा काफ़ी लेके गई थी। और इसमें से आपने देखा कि मैंने 80% यूज़ ही नहीं किया। ऐसे तो आपके साथ भी होता होगा कि आप शादियों में जाते हो या कहीं जाते हो इतना लेकर जाते हो, लेकिन यूज़ तो आधे से ज़्यादा होता ही नहीं। तो ये मेरा था छोटा सा, आप व्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, जो भी कह लो, तो आप बताओ आप ये सब ऐसे लेकर जाते हो मेरी तरह या नहीं लेकर जाते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर अब नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए वीडियो को, और देखने के बाद वीडियो लाइक किया कीजिए, स्पैम हो जाता है, आप ज़्यादा प्यार के चक्कर में ना बिना देखे जो लाइक और कमेंट कर देते हो वो कहीं काउंट नहीं होता।
तो प्लीज़ वीडियो देख के फिर अगर अच्छा लगे तभी लाइक किया कीजिए, और डिसलाइक करने वाले तो फिर हैं मेरे चाहने वाले बहुत सारे जो डिसलाइक कर देते हैं बिना देखे वीडियो, तो आई डोंट माइंड, थैंक यू उसके लिए भी कि आप नफ़रत भी इतनी शिद्दत से कर रहे हो, दैट्स ओके। और बस दैट्स ऑल, मैं जल्दी आती हूँ फिर नया वीडियो लेके। मैंने ना बहुत सारी लिस्ट बना के रखी है अच्छे अच्छे वीडियोज़ की, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा, इतनी ठंड हो रही है ना कि मैं सोच रही हूँ कि आपको ये नए हैक्स दिखाऊँ, ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मौसम अनुकूल नहीं हो रहा है मेरे, और मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो जा रही है। तो मैं करती रहूँगी कोशिश कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ जल्दी जल्दी देखने को मिले, और बाकी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।